से बात करेंगे बस्तर की, जहां बस्तर से तेंदुपत्ते की तस्करी का खुलासा हुआ है। 24 बोरे से ज्यादा तेंदुपत्ता जब्त किया गया है और 8 मोटरसाइकिल सहित कई तस्करों को पकड़ा गया है। आंध्र और ओडिशा की सीमा पर वन विभाग अलर्ट हो गया है और अब इसमें जांच भी की जा रही है कि आखिर किसके हैं ये और कहां से आए थे, कैसे तस्करी चल रही है। तेंदुपत्ते की तस्करी का खुलासा हुआ है। 8 मोटरसाइकिल सहित कई तस्करों को भी पकड़ा गया है। हालांकि बॉर्डर पर वन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। उड़ीसा सीमा के किनारे में अवैध फड़ लगाया गया था तेंदुपत्ते का, और वो जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद में हमारी टीम ने जाकर के जब्ती कार्रवाई किया है, अपने कब्जे में ले लिया, और इसमें टोटल 24.5 मानक बोरा तेंदुपत्ता था, उसको जब्ती कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा जो है उड़ीसा प्रदेश के लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश में सुकमा एरिया में आकर के तेंदुपत्ता तोड़ करके ले जाते हुए 8 मोटरसाइकिलों को भी जब्ती किया गया है। बिलासपुर जिले में अवैध रेत खनन धड़ल्ले से जारी है और मस्तूरी जनपद के भिलौनी में शिवनाथ नदी में रेत माफिया सक्रिय है। नदी में पोकलेन और जेसीबी मशीन अवैध खनन कर रही हैं और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी प्रदेश में खनन नहीं रुक रहा। एनजीटी ने भी 10 से 15 अक्टूबर तक नदियों में खनन पर रोक लगा दी है। ऐसे में खनन विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब 10 जून से 15 अक्टूबर तक खनन पर रोक लगाई गई है तो कैसे धड़ल्ले से यहां पर खनन चल रहा है। कांकेर में भी यही सिलसिला, कांकेर में भी धड़ल्ले से अवैध खनन का काम चल रहा है। एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खरता घाट से रेत का अवैध खनन होता है और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर माफिया रेत का अवैध खनन करते हैं। 10 जून से रेत खनन बंद करने के आदेश है, बावजूद इसके अभी भी ये सिलसिला देखने को मिल रहा है। दमोह से कुत्ता चोरी का एक वीडियो वायरल हुआ। दिन दहाड़े चोरी की गई है। जिला मुख्यालय की सुरेखा कॉलोनी में चोरी हुई है और सोशल मीडिया पर कुत्ता चुराने का वीडियो जो है वायरल हो रहा है। देखिए कैसे यहाँ पर बाइक पर सवार होकर कुछ लोग आते हैं, स्कूटी पर सवार होकर आते हैं और एक कुत्ता जो यहाँ पर मौजूद है उसको चुराते हैं और फिर धीरे से निकल जाते हैं। हालांकि इनकी चोरी की जो पूरी वारदात है वो वारदात अब सीसीटीवी में कैद हो गई है। देखा जा सकता है कैसे कपड़े में कुत्ते को लपेटते हैं और उसे यहाँ से निकल जाते हैं, ये सोचकर कि शायद ये किसी की नज़र में आए, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। और ये कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, जिसमें कि सब कुछ नज़र आ रहा है कि कैसे वो आते हैं, कैसे चुराते हैं कुत्ते को और यहाँ से फरार हो जाते हैं। दुर्ग में कोयले से भरे ट्रक में अचानक से आग लग गई और फायर ब्रिगेड ने आग पर आखिरकार काबू पा लिया है। बाफना टोल के पास ये घटना हुई है। आग लगने के कारणों की जांच अभी की जा रही है कि आग लगी तो लगी कैसे, क्योंकि भयानक आग, भीषण आग। यहां पर दमकल विभाग की गाड़ियों ने किसी तरह पहुँच कर आग पर काबू पाया है। देख सकते हैं आप, पानी के फव्वारे जो है छोड़े गए, उसके बाद ही जाकर आग पर काबू पाया जा सका। आग ने विकराल रूप ले लिया था। कोयले से भरे ट्रक में अचानक से आग लगी, बहुत ज़्यादा नुकसान एक तरफ, दुर्ग का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।